थिंक इसमें थैलेसीमिया में आपको हर महीने या फिर हर एक गैप्स के बाद आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, तो ब्लड डोनेशन इस डिसऑर्डर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैलेसीमिया के बारे में ऑफकोर्स सुना था और बहुत मुझे लगता है कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको ये होता है, लेकिन अगर वो होता है तो मुझे लगता है कि उसके लिए हमें बहुत काम करना चाहिए, उन बच्चों से मिलना चाहिए और उनसे अगर जो खुशियां आप बांट सको तो मुझे लगता है कि बहुत खुशी खुद को भी बहुत मिलती है। मुझे लगता है कि जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, ख़ास करके एक्टर्स, उन्हें थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए इन लोगों के लिए, क्योंकि आई फील दैट वी आर नॉट गिविंग बैक इनफ टू सोसाइटी। आई थिंक वी शुड ऑल फाइंड इट विद इन आवरसेल्व्स टू गिव अ लॉट मोर बैक टू द सोसाइटी दैट इट्स गिवन अस। हमें आप लोगों ने, सबने, बच्चों ने इतना प्यार दिया कि मुझे अभी लग रहा है कि हर साल कम से कम आज के दिन तो मैं यहाँ इनके साथ बिताऊं। इन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्हें देख के मुझे करेज मिलता है। हम सब लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेके इतना सैड रहते हैं, इतना हम लोग रोते हैं कि यार हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन इन्हें देख के, इनके चेहरे पे स्माइल ला के मुझे ऐसा फील होता है कि यार मैं किसी को खुश कर सकती हूँ लाइफ में, किसी के चेहरे पे स्माइल ला सकती हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी। एक रीज़न से मैं यहाँ पर हूँ, थैलेसीमिया के रिलेटेड रीज़न है और एक डिसऑर्डर है जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, हीमोग्लोबिन को लेकर है, और हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए इसके लिए, और क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड आई रेगुलरली डोनेट ब्लड, मैं सिर्फ स्पर्म डोनर नहीं हूँ, ब्लड डोनर भी मैं बोलना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बच्चों से मिलने के लिए और बहुत सुना इन बच्चों के बारे में। मुझे लगता है कि कुछ खुशियाँ अगर हम एक्टरों की तरफ से कुछ मिल सके तो बहुत बड़ी बात है। आने वाली फिल्म में बम्बई फेरी टेल है जो इस साल आएगी और दम लगा के हिशा अगले साल स्टार्टिंग में आएगी, तो दोनों के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। Don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.